फरवरी 1818 में हुए एक युद्ध को लेकर भीमा कोरेगांव में मनाए जाने वाले शौर्य दिवस को लेकर कल भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी भीमा कोरेगांव में जाएंगे। भीमा कोरेगांव में कल शौर्य दिवस पर बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ेगा। भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी भीमा कोरेगांव जाएंगे। पुलिस ने भी इस मामले में सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 5000 से अधिक उन्होंने पुलिसकर्मी लगाए हैं और 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, कल 1 जनवरी 2023 को भीमा कोरेगांव युद्ध में शहीद होने वाले योद्धाओं को पुणे स्थित भीमा कोरेगांव में बने विजय स्तंभ पहुंचकर नमन करूंगा। जय भीम जय भारत। तो जय आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है। ट्विटर पर आप ट्वीट देख पा रहे हैं। भीम आर्मी के प्रमुख है आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने अभी से कुछ ही देर पहले ट्वीट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि 1 जनवरी को कल भीमा कोरेगांव में जाएंगे और विजय स्तंभ पर पहुंचकर वीरों को नमन करेंगे। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे, कल भीमा कोरेगांव जाएंगे भीम आर्मी के प्रमुख आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। भीमा कोरेगांव में कल शौर्य दिवस पर उमड़ेगा बड़ी संख्या में जनसैलाब। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी जाएंगे भीमा कोरेगांव। पुलिस ने भी कर दिए हैं पुख्ता इंतजाम सुरक्षा को लेकर। पुलिस की बटालियन कल से ही लगी हुई है।